तो दिखाई दे रहा है। जो यहाँ की सड़कें हैं वो भी सन्नाटे से डूब गई हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात हम आपको ये बता दें कि नगर निगम द्वारा कानपुर शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। और इस वक्त हम आपको दिखा दें, एक कर्मचारी है जो हैंड सैनिटाइज जो गाड़ियां निकल रही हैं उनको कर रहा है। और उसके अलावा जो यहां पर जो चौकियां बनाई गई हैं और जो पुलिस प्रशासन तैनात है, जिस कुर्सियों का वो प्रयोग कर रहा है या जो भी बैरिकेटिंग लगी हुई है उनको जो है ना सैनिटाइज कर रहा है किया जा रहा है। और ये जो सैनिटाइज कर रहे हैं, कर्मचारी से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश चौहान। क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ सैनिटाइज कर रहे हैं? सैनिटाइज मैम, जहाँ पे लॉक सिस्टम है वहाँ पे सैनिटाइज कर रहे हैं, पुलिस लाइन कर रहे हैं, हॉस्पिटल कर रहे हैं और मोहल्ले में कर रहे हैं, गली मोहल्ले वगैरह सब कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो सरकारी चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को सैनिटाइज करी जा रही है। मैडम, प्राइवेट में आपको कंप्लेंट नंबर दिए नगर निगम से, आप उन पे कॉल करिए, कंप्लेंट कराइए, हम लोग वहाँ पे जाके सैनिटाइज करेंगे। अच्छा, चौराहे पर आप खड़े हैं तो चौराहे में क्या क्या सैनिटाइज किया है? सैनिटाइज किया है, पुलिस चौकी की है, बैरिकेडिंग की है, बाकी जो अंदर पुलिस चौकी के अंदर है जो पब्लिक दूसरे छूती है उसको सब किया गया है सैनिटाइज। देखिए, आपको बता दें कि ये जो चौराहा है इसको पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया गया है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। जो राहगीर हैं, जो इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं उनसे पूछताछ करी जा रही है और उसके बाद ही उन्हें जाने को दिया जा रहा है। ऐसे में के न्यूज भी आप सभी से अपील करता है कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। कानपुर से कैमरा पर्सन अमित गुप्ता के साथ सारिका गुप्ता, के न्यूज इंडिया।